रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, आज मैं आपके लिए एक ज़बरदस्त वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें मैं आपको नमकीन गोश्त की आसान सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। इस रेसिपी को तैयार करने के लिए आपने हड्डी वाला गोश्त लेना है, बोटी हड्डी दोनों मिक्स हों। हड्डी लाजमी होनी चाहिए क्योंकि नमकीन गोश्त में हड्डी का रस निकलता है। आपने करना ये है कि ये अज्जा ले लेने हैं, प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन, काली मिर्च, दालचीनी, खुश्क धनिया और हसब ज़रूरत नमक। आपने दो गिलास पानी में इस तमाम गोश्त को उबाल लेना है और तमाम चीज़ें इसमें ऐड करके इसको प्रेशर कुकर में ऐड कर लेना है। 10 से 15 मिनट के प्रेशर कुकर के बाद ये देख सकते हैं मैंने खोला है तो इसमें अभी पानी है और गोश्त भी कच्चा है, बाकी चीज़ें भी कच्ची हैं। मज़ीद 10 मिनट मैंने प्रेशर पर लगाया और उसके बाद देख सकते हैं गोश्त भी गल चुका है, बाकी चीज़ें भी गल चुकी हैं और पानी भी खुश्क हो चुका है अच्छे से। अब हमने इसको फ्राई कर लेना है। फ्राई करने के लिए मैंने एक और पैन लिया है, उस पैन में मैंने तकरीबन 2 खाने के चम्मच ऑयल डाला है और इसमें मैं ज़ीरा ऐड कर रही हूँ आधा चाय का चम्मच और इसमें सब्ज़ी मिर्च ऐड करूँगी। इन दोनों अज्जा को हम 2 मिनट के लिए फ्राई करने के बाद ये जो हमारा उबला हुआ गोश्त है हमने इसको इसमें डाल देना है। उबले हुए गोश्त को हमने इसमें डाल देना है और अच्छा सा भून लेना है। तकरीबन 5 मिनट तक हमने भून लेना है। उसके बाद हम इसमें मसाले ऐड करेंगे, गरम मसाला का पाउडर, हल्दी और कढ़ाई गोश्त मसाला। इन तमाम अज्जा को हमने अच्छे से भून लेना है। भून लेने के बाद लास्ट में हमने करना क्या है, 2 से 3 खाने के चम्मच इसमें हमने दही ऐड करना है। दही को हमने अच्छे से भून लेना है और उसके बाद जिस बर्तन में हमने गोश्त उबाला था कुकर से, उस कुकर में हमने आधे से कम पानी ऐड करना है और उसी पानी को हमने इसी मिक्सर में ऐड कर लेना है। आप चाहें तो ऐसे ही इस्तेमाल कर सकते हैं पानी बिना डाले, लेकिन मैं थोड़ा सा शोरबा रखना चाहती हूँ इसलिए मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। ज़्यादा पानी ऐड नहीं करूँगी, थोड़ा सा पानी मैंने इसमें ऐड करना है ताकि मेरा ये थोड़ा सा शोरबा बन जाए। गोश्त को हमने अच्छे से भून लिया है और अब हम इसमें पानी ऐड कर लेंगे। जिसमें हमने गोश्त उबाला था उसी बर्तन का पानी हम इसमें डाल देंगे। अब 3 से 4 मिनट मैं इसको मज़ीद पकाऊंगी और फिर हमारा नमकीन गोश्त बिल्कुल तैयार हो चुका है। याद रहे इसमें मैंने लाल मिर्च ऐड नहीं की, बाकी मसाला जात ऐड किए हैं। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बन गई है हमारी। उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आप ट्राई करेंगे, बहुत ही ईजी है, बहुत ही सिंपल सी है और आपको पसंद भी आएगी खाने में। इसका टेस्ट और इसकी खुशबू बहुत प्यारी आ रही है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। ये था मेरा ई डे लंच।